Assalamu alaikum. Here we will do some questions related to ratio and proportionality of triangles. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन हो, डेट इज एल एम एन, ठीक है, और आपको गिवन हो कि एल ए बाइसेक्ट्स एंगल एल, ठीक है, और साथ ही कंडीशन गिवन हो मेजरमेंट एल एन is basically 4 centimeter and measurement LM is equals 6 centimeter, ठीक है, और आपको साथ information given हो measurement MN, ठीक है, या NM, आपको अगर age given है then find MA and AN. अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. फिगर में जो जो कंडीशन गिवन है हम उनको इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, देखिए हमें एक एल एम एन ट्राइंगल गिवन है. सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, फिर देखिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक लाइन है एल ए, वो एंगल एल को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट को ए का नाम दे दें और यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और आपको ये एम एन जो टोटल लेंथ है ना वो गिवन है कि 8 सेंटीमीटर के इक्वल है. ठीक है, और आपने एम ए भी फाइंड करनी है और ए एन भी फाइंड करनी है. ऐसा करते हैं हम इस ए एन को ना एक्स लेट कर लेते हैं खुद से, तो कंफर्म है कि ये 8 माइनस एक्स के इक्वल होगा. ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को यहाँ से रेज कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट एम ए इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स और ए एन के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको कि x के इक्वल है. ठीक है, नाउ आपको पता है कि एंगल L बाइसेक्ट हो रहा है. अगर एंगल L बाइसेक्ट हो रहा है ना, मतलब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो जो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग एम ए बाई ए एन जो है वो इक्वल होगा एम एल बाई एल एन के. ठीक है, मतलब ये रेशियो इक्वल होगी. अगर ये रेशियो इक्वल है ना, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें वैल्यूज प्रॉपर पुट कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो प्रीवियस रिजल्ट है कि एम ए बाई ए एन इज इक्वल टू एल एम बाई एल एन. ठीक है, और अब हम ऐसा करते हैं इसकी जगह मेजरमेंट्स पुट कर देते हैं. एम ए 8 माइनस एक्स की इक्वल है और ए एन एक्स की इक्वल है, एल एम 6 की इक्वल है और एल एन 4 की इक्वल है. हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई में जो जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे 8 माइनस एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 6x हमारे पास है. ठीक है, तो 32 माइनस 4x की वैल्यू आ रही है 6x के इक्वल. यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि 4x को जब इस साइड मूव करेंगे तो इसके सम का जो आंसर है वो 10x आ रहा है. ठीक है, 10x अगर 32 के इक्वल है तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 32 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x. ठीक है, x क्या है, बेसिकली 3.2 सेंटीमीटर के इक्वल है जब आप प्रॉपर इसको डिवाइड करेंगे तो. बट x हमने किसको लेट किया था, ए एन को, इट मीन्स ए एन की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई है, डेट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एम ए. एम ए 8 माइनस एक्स के इक्वल है, तो एम ए अगर 8 माइनस एक्स के इक्वल है ना, तो 8 माइनस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 3.2 पुट कर दें. ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे 3.2 और 8 को, तो जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल 4.8 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो दो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वन इज एम ए एंड अदर वन इज ए एन, उन दोनों को आपने फाइंड आउट कर लिया, आंसर 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है. ठीक है, अब अगर आप रीचेक करना चाहते हैं ना, तो देखिए वो जो टोटल लेंथ थी ना वो गिवन थी आपको, टोटल लेंथ 8 गिवन थी. ठीक है, और उसमें जैसे ये एम पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये एन पॉइंट है, तो एम ए आपको मिला है 4.8 और एन ए आपको मिला है 3.2. जरा इन दोनों को ऐड करें तब भी आपके पास आंसर 8.0 ही आ रहा है. ठीक है, तो मतलब आप एट द एंड रीचेक भी कर सकते हैं कि जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो करेक्ट भी है या नहीं. ठीक है, तो इस मेथड से आप रीचेक कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल गिवन हो. ठीक है,
और आपसे कहा जाए फाइंड अननोन। जो ट्राइंगल है वो इस तरह की गिवन हो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ट्राइंगल में मौजूद हो, ठीक है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे Q, R और P एक ट्राइंगल गिवन है, और इस ट्राइंगल में आपको ये दो साइड्स इक्वल गिवन है। दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज X, और फिर यहाँ पे एक P पॉइंट से लाइन सेगमेंट मौजूद है, और वो फॉर एग्जाम्पल दिस इज L पॉइंट, L पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। आपने बेसिकली प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनमें अननोन की वैल्यू क्या होगी जब ये मेजरमेंट 10 और X गिवन है और यहाँ पे 6 और Y गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अगर आप फोकस करें यहाँ पे, ये दोनों जो लेंस है पी क्यू और पी आर, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्राइंगल में उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल क्यू भी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए एक साइड ये इक्वल है और एक एंगल ये इक्वल है, फिर आप देख सकते हैं एल पे 90 का एंगल आ रहा है, तो एंगल क्यू एल पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है एंगल आर एल पी के, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी एंगल आ रहा है, एंगल एंगल साइड पास टू रेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है ये दोनों ट्राइंगल्स जो क्यू एल पी है और जो दूसरी ट्राइंगल आ रही है आर एल पी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना तो इनमें एक्स इक्वल होगा 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वाई की भी, ठीक है। तो आपको यहाँ से ना कंफर्म होना चाहिए कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनमें क्यू एल मेजरमेंट एल आर के मेजरमेंट के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और एल आर वाई की इक्वल है, इसका मतलब है आपने वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो लास्ट पे हम लिख सकते हैं हेंस एक्स इक्वल्स 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो थ्रू दिस प्रोसेस बेसिकली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन फिगर्स। बट ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये ना होती कि जो क्यू पी साइड है पी आर के कॉन्ग्रेंट है तो आप इस थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव ना कर सकते, ठीक है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि जब हम सॉल्व कर रहे हों तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लेंथ किसकी इक्वल आ रही है और क्यों इक्वल आ रही है, मतलब साथ हमें रीजनिंग भी मेंशन होनी चाहिए, वरना हम किसी साइड को डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते।